तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की ओर से विश्व महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और मनमोहिनी गणेश वंदना की प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके बाद विश्व महिला दिवस पर मेडिकल के छात्र छात्राओं ने मनमोहक कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए। नृत्य गायन और रंगोली सरीखी प्रतियोगिताएं भी हुई। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर वैशाली ढींगरा बतौर मुख्य अतिथि बोली कि पूरी दुनिया में नारियां बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरी हैं। 12% देशों में महिलाएं ही पोस्टों पर हैं। कोविड-19 के दौरान भी महिलाओं की भूमिका अविस्मरणीय रही है। ईश्वर का बहुत बहुत आभार जिसने महिलाओं को घर से लेकर दफ्तर तक संचालन की अद्भुत क्षमता दी है। महिलाओं में आत्मविश्वास अनिवार्य है। In UK and the situation is yet not under control. In Germany, high-handedly the lady controlled the situation. The third comparison is of two underdeveloped nations, that is Bangladesh and Pakistan. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर श्यामोली दत्ता बोली की समाज में महिलाओं के प्रति पॉजिटिव चेंज जरूरी है, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसका श्री गणेश खुद और घर से ही करना होगा। बोली महिलाएं अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें ताकि वे नारी का मान सम्मान सर्वोच्च रखें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे समाज में नारी के प्रति सकारात्मक देखने को मिलेगा। Break stereotypes, reject the binary, be mobile and take action. I wish to state that every event needs a lot of preparation to reach its final. And any event organized in this medical college. मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एस के जैन विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं को वंचित बेटियों को भी आगे बढ़ने और बढ़ाने की नसीहत देते हुए बोले ताकि समाज संतुलित रह सके। मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर वी के सिंह नारियों पर गर्व करते हुए बोले कि वे आज यानी विश्व महिला दिवस पर खुद से वायदा करें कि हम न तो लिंग असमानता करेंगे और न ही समाज में होने देंगे। सबसे पहले तो संस्कार, लड़कों को वो संस्कार दिए जाएं घर के अंदर जिससे कि वो नारी का सम्मान करना सीखे, ये बहुत आवश्यक है। सरकार की योजनाएं, बदले हुए कानून नियम, ये सब इतना फायदा नहीं करने वाले जितना वो संस्कार करेंगे जो माता पिता अपने घर में अपने बच्चों को अपने लड़कों को देंगे। इस मौके पर अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। वर्ल्ड वुमेन डे पर MBBS की छात्राओं के अलावा डॉक्टर आस्था लालवानी, डॉक्टर श्रुति चंडक, डॉक्टर प्रीतपाल सिंह मटरेजा, डॉक्टर गुरदीप सिंह जीते, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर अमित सर्राफ, डॉक्टर पल्लवी अहलुवालिया और डॉक्टर सीमा सिंह आदि मौजूद रहे।